हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल पे। चैनल में नए हैं तो वीडियो पूरी ज़रूर देखना, आधी अधूरी वीडियो देखिए कमेंट सेक्शन में आके आप लोग कमेंट करते हैं, पूरी वीडियो ज़रूर देखना और कमेंट सेक्शन में फिर मुझे बताना कि आपको इस वीडियो को देख के, इस रिएक्शन वीडियो को देख के कैसा लगा। उसी के साथ साथ आज आप सभी को सावन के पहले सोमवार की बहुत बहुत शुभकामनाएँ। तो दोस्तों, खुशी और विवेक का टॉपिक ना ख़त्म होने की बजाय आए दिन एक हाइप पकड़ता हुआ नज़र आ रहा है। वैसे तो ये कपल जो है 24 अप्रैल के बाद हमें YouTube या पूरे सोशल मीडिया में कहीं पे भी देखने को नहीं मिला। ऑलमोस्ट 3 महीने हो गए हैं लेकिन इस कपल के बारे में अभी कोई भी ऑफिशियली अपडेट नहीं आई है। कमेंट सेक्शन में बहुत सारे कमेंट्स तो आए दिन एक स्टोरी की तरह इनके रील के नीचे छपते ही रहते हैं। उसके अलावा अभी रिसेंटली एक ऑडियो भी वायरल हुई है जिस ऑडियो में खुशी और उनके ससुर के बीच में बातचीत होती हुई नज़र आ रही है। उसके बाद एक स्क्रीनशॉट मैंने लास्ट वीडियो में भी लगाया था जहाँ पर खुशी एक लड़की से बात कर रही है, जो लड़की उसको दीदी बोलती है। आप लोगों को रिफ़्रेश करने के लिए एक बार और मैं यहाँ पर लगा देती हूँ तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो लड़की है ये कह रही है आप टेंशन ना लो, जिसमें खुशी बोलती है कि हाओ बेटा ही गेव मी सो मच स्ट्रेस। ही मतलब विवेक ने बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दे दिया है, पुलिस के सामने बैठकर भी झूठ बोल रहा है। अब मैं क्या बोलूँ, झूठ बोलना फितरत हो गई है इन लोगों की। उसके बाद उस लड़की ने कहा कि दी प्लीज़ आप घर पर टेंशन ना लो, मेरा मन कर रहा है मैं मर जाऊँ, ख़त्म कर दिया विवेक ने मेरा, सब ख़त्म कर दिया। बिगेस्ट फेलियर ऑफ माई लाइफ, जिसे जान से बढ़कर प्यार किया आज वो ही मेरा दुश्मन बना बैठा है। अब क्योंकि ये स्क्रीनशॉट बाहर आया है, दो लोगों के बीच की बात है, खुशी और इनके बीच में जिस लड़की से ये बात चल रही है, तो अब सोचने वाली बात है कि सोशल मीडिया पे ये बातें कैसे आई। तो सोशल मीडिया पे ये बातें वैसे ही आई जैसे सोशल मीडिया पे कॉल और ऑडियो रिकॉर्डिंग आई। जी हाँ, इसी तरीके से सेम आई और इसके बारे में मैं डेफिनेटली आगे वीडियो में चल के बात करूँगी, आप लोग बने रहना क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है। जिस तरीके से ये आए दिन कोई स्क्रीनशॉट, कोई ऑडियोज़ ये जो आ रही है, इसके बारे में मेरे को आगे बात करना है। उसके अलावा रिसेंटली, वैसे तो ये रिसेंटली नहीं है, वो अलग बात है कि जिन्होंने ये डालने की हिम्मत कर दी वो रिसेंटली हो गए हैं, वरना अगर मैं आप लोगों को रिकॉर्ड दिखाने लगूँ ना तो मुझे लगता है मेरे ही पास नहीं, ये मेरे जैसे बहुत लोगों के पास आज से 15-20 दिन पहले या महीने दो महीने पहले ही आ चुके थे। तो इसी तरीके से ये वाले चीज़ें भी जो अब लगानी शुरू कर दी है सबने, क्योंकि कहीं ना कहीं अब सबको डाउट होने लगा है कि सेम चीज़ें, सेम फॉर्मेट, सब कुछ सेम कैसे सबके पास पहुंचाया जा रहा है। खैर, इसके बारे में मैं आगे बात करती हूँ। तो एक और स्क्रीनशॉट मैं यहाँ पे दिखाने वाली हूँ। एक कॉन्वर्जेशन थी खुशी और उनके ससुर जी के बीच में, और दोबारा से ये कॉन्वर्जेशन है खुशी और पापा जी के बीच में, जो कि एक व्हाट्सएप चैट है। अब ऑडियो को भी कोई डिनाई नहीं कर सकता क्योंकि वो खुशी की ही आवाज़ है। अब इस चैट को डिनाई करने वाले कर सकते हैं, नहीं करने वाले नहीं कर सकते, लेकिन ये पापा जी से चैट हो रही है। तो पापा जी को लिखा जाता है सबसे पहले खुशी द्वारा, एज़ पर दिस स्क्रीनशॉट, व्हाट्सएप की चैट है ये, यहाँ पर लगा देती हूँ, आपका बेटा लड़कियों के साथ गंदे काम कर रहा था, वो कहाँ? तो पापा जी रिप्लाई में लिखते हैं तू साथ में थी किसके? उसके बाद वो लिखती है हाँ मेरे को नींद की दवाई दी होगी फिर तो, शुरुआत आपके बेटे ने की जैन 2020 से, जैन हमारी शादी को 1 साल भी नहीं हुआ था। तो उसके पापा जी लिखते हैं, यानी कि ससुर जी लिखते हैं, तो रह क्यों रही थी फिर? हाँ तभी जाना चाहिए था अपने घर, पता नहीं था कि एक दिन ऐसा करोगे आप लोग, आपने भी बदतमीज़ी करी परसों। यानी कि ये जो चैट है ये है कॉल रिकॉर्डिंग के बाद की चैट, क्योंकि बदतमीज़ी करी परसों मतलब कि जो रिकॉर्डिंग पे बात करी है। उसके अलावा एक और स्क्रीनशॉट है जिसमें कॉन्टिन्यूशन में खुशी ने कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करी है, इट्स अ वीडियो कॉल, 1:38 पे, फिर 1:39 पे, फिर 1:44 पे, बैक टू बैक 3 कॉल ट्राई करी हैं वीडियो कॉल इन्होंने अपने ससुर जी को। उसके बाद इन्होंने टेक्स्ट लिखा है पापा राजा ने पास्ता खा लिया ? बात कराना प्लीज़ मेरी राजा से। उसके बाद फिर शाम के 7:30 फिर एक वीडियो कॉल। उसके बाद फिर लिखा है पापा जी करा दो ना, मैंने माँ के फ़ोन पे भी किया, कोई नहीं उठा रहा है। तो इस पूरी कॉन्वर्जेशन में सिर्फ वन साइडेड बात हो रही है, खुशी ट्राई कर रही है बात करने का, वीडियो कॉल करने का, लेकिन उसको सामने से यानी कि पापा जी की तरफ से कोई भी रिप्लाई नहीं आ रहा है। तो अभी ये चीज़ें आ गई हैं, ऑडियो रिकॉर्डिंग आप लोगों ने सबने सुन ली होगी,
खुशी और एक लड़की के बीच में जो कॉन्वर्जेशन थी वो मैंने आपको बता दी। अब ये खुशी और ससुर जी के बीच में कॉन्वर्जेशन है, ये भी मैंने आपको दिखा दी। तो अब करते हैं हम लोग मुद्दे की बात। अगर आप लोगों ने गौर फरमाया होगा तो सेम चीज़ें सबको प्रोवाइड करी गई हैं, किसी भी स्क्रीनशॉट में 19-20 का फ़र्क भी नहीं है। यही सेम चीज़ें सर्कुलेट की गई हैं वाया आई डोंट नो किसके थ्रू ये सर्कुलेट की गई हैं, लेकिन किसी एक बंदे को नहीं, ये ऑलमोस्ट सभी रोस्ट रिएक्शन चैनल वालों के पास पहुंचाई गई है। उसके बाद इट इज़ ओनली वन साइड कॉन्वर्जेशन, जहां पे खुशी कंप्लेन कर रही है लेकिन वहां से रिप्लाई के नाम पे एक या दो लाइन का रिप्लाई आता है। जहां पे खुशी अपने ससुर जी से व्हाट्सएप की चैट में ये कंप्लेन कर रही है कि आपका बेटा गंदे काम करता है लड़कियों के साथ और 2020 से ये चीज़ें कर रहा है, शादी को एक साल भी नहीं हुआ था, जिसके रिप्लाई में उनके ससुर जी कहते हैं तो फिर रह क्यों रही थी। एग्जैक्टली सबका ये चैट पढ़ के यही क्वेश्चन होगा कि फिर आप रह क्यों रहे थे, क्योंकि कैरेक्टर से बढ़कर दुनिया में कोई भी चीज़ नहीं होती और शादी ब्याह का रिश्ता जो होता है वो ट्रस्ट पे ही चलता है। जहाँ पे ट्रस्ट नहीं है, जहाँ पे प्यार नहीं है, जहाँ पे आपको इतना बड़ा धोखा मिला है, वो रिश्ता 6 साल तक चलाने का कोई सेंस नहीं बनता था या नहीं बनता है। एक हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप में यही चीज़ें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है, चाहे वो लड़की की तरफ से हो चाहे वो लड़के की तरफ से हो। और अगर खुशी ने शादी के विद इन 1 ईयर में ही ये चीज़ें कर ली थी, फील कर ली थी, ये चीज़ें विटनेस कर ली थी, ये चीज़ें सफ़र कर ली थी, तो खुशी को उसी समय पर स्ट्रिक्टली एक्शन लेना चाहिए था। उन चीज़ों का एक्शन ये आज 6 साल के बाद क्यों ले रही है, जब ये 2020 में ओके थी तो अब 2024 में अपने ससुर जी से किस बेस पे कंप्लेन कर रही है। इस तरीके के मैसेजेस आ रहे हैं, इस तरीके के क्रॉस क्वेश्चंस पब्लिक कर रही है, ऑडियंस कर रही है। और सबसे बड़ा मेजर क्वेश्चन ये है कि सारी चीज़ें खुशी के फेवर में ही क्यों प्रोवाइड की जा रही है। ऑडियो रिकॉर्डिंग खुशी के रिलेटेड, चैट खुशी से रिलेटेड, अगेन पापा जी से चैट खुशी से रिलेटेड, और इतना सब कुछ होने के बाद एक लड़की को अगर धक्के मार के घर से बाहर कर दिया, उसके कैरेक्टर पे उंगलियां उठा दी, उससे फ़ोन छीन लिया, उसके बाद कोई लड़की इतनी नरमी से बात कर सकती है, इतने मतलब इस तरीके से रो रो के भीख मांग सकती है। अपने आप में आजकल हर लड़की स्ट्रांग है अनटिल अनलेस कि उसकी कोई भी गलती ना हो, क्योंकि जब इंसान की गलती नहीं होती तो उसका कॉन्फिडेंस लेवल डाउन नहीं अप होता है। यहाँ पे हर कॉन्वर्जेशन में खुशी इतना प्लीज़ कर रही है जो चीज़ें डाइजेस्ट नहीं हो रही हैं, कि अगर गलती विवेक ने करी है, उसका कैरेक्टर ऐसा है, उसने आपके साथ विश्वासघात किया है, तो फिर आप कैसे इतना ज़्यादा प्लीजिंग मोड में उस फैमिली से बात कर रहे हो, है ना। तो यहाँ पे चीज़ें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट करने वाली है, जहाँ पे अब बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा है कि ये चीज़ें क्यों पर्पसली लीक करवाई गई, और अगर ये लीक करवानी थी तो फिर अपने आप इन चीज़ों के बारे में क्यों बात नहीं करी। अगर खुशी के ही फेवर में बात करवानी थी तो खुशी ने अपने लिए स्टैंड अपने आप क्यों नहीं लिया, या जिनके माध्यम से ये आए हैं उन लोगों ने खुशी के लिए कोई भी स्टैंड क्यों नहीं लिया। अब क्योंकि ये सब चीज़ें मैं श्योर हूँ कि सबके पास महीने दो महीने से रखी हुई थी, लेकिन किसी ने भी अभी तक सोशल मीडिया पे ये चीज़ें नहीं डाली थी। वर्बली बहुत सारी बात सोशल मीडिया पे सब कर रहे थे, अपडेट देने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन 1.5-2 महीने से ये सारी चीज़ें, ये सारे प्रूफ्स किसी ने भी नहीं डाले थे। तो कहीं ना कहीं क्या ये प्लान फ्लॉप हो गया था, क्योंकि जो खुशी चाह रही होगी या जिसने ये चीज़ें प्रोवाइड करी वो ये चाह रहा होगा या चाह रही होगी कि इन सबूतों पे वीडियोस बने, इन पे सोशल मीडिया पे बात हो। लेकिन जब किसी ने इस पे कोई भी बात नहीं करी तो फिर एक रोस्टर को पकड़ा गया और उसके पास ये सारी चीज़ें फॉरवर्ड करी गई कि कोई नहीं डालेगा तो वो इंसान तो डाल ही देगा, और वही हुआ। जिस दिन से उन्होंने डाला उस दिन से सबके अंदर कॉन्फिडेंस आ गया और धीरे धीरे करके सब जो चीज़ें हैं वो लेके आ रही हैं। ट्रस्ट मी, अभी भी 2-3 फोटोज़ भी हैं जो हो सकता है आने वाले टाइम पे फिर आप लोगों को किसी ना किसी के चैनल पे देखने को मिल जाए, लेकिन मेरी हमेशा से यही कोशिश रहती है कि मैं अपने एंड पे कोई भी चीज़ें पहले सोशल मीडिया पे नहीं लेके आऊँगी।
जब तक कोई दूसरा इसको सोशल मीडिया पे नहीं लेके आ जाता। तो अभी भी मैं आप लोगों को बताती हूँ कि कुछ फ़ोटोज़ हैं, कुछ तस्वीरें हैं, जिसमें कुछ तस्वीरें हैं विवेक की पुलिस स्टेशन में बैठे हुए, जिसमें कि कुछ तस्वीरें हैं बहुत सारी, मतलब कुछ कुछ चीज़ें अभी भी हैं जो कि हैं, लेकिन वो कब सोशल मीडिया पे आती हैं वो कहा नहीं जा सकता, क्योंकि अब तो मुझे इस चीज़ पे 100% श्योरिटी हो गई है कि ये सिर्फ एक जने के पास नहीं है, या मैं ये सोचूं कि ये सिर्फ मुझी को मिली है, नहीं, ये सबको मिली है। वाया किसी ना किसी के माध्यम से ये सबको प्रोवाइड करी गई है। दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं चाहते थे कि बातचीत तो होती रहे, क्योंकि अगर बातचीत होनी बंद हो जाती तो इन लोगों का नाम ही गुम हो जाता, नाम ही गुम हो जाता, और कमेंट्स तक ही इनकी बातें चलती रहती। इसीलिए बेसिकली ये एक ट्रिगर पॉइंट था कि सबको बातें करने के लिए ये छोटी छोटी चीज़ें प्रोवाइड करी, ताकि यहाँ पे बातें चलती रहें और एक बंदा विक्टिम दिखे और दूसरा बंदा कल्पिट दिखे। लेकिन अगेन मैं ये बोलूँगी कि दोनों के ही ऑफिशियल स्टेटमेंट का हमें इंतज़ार करना है, जिन्होंने भी ये चीज़ें प्रोवाइड करी हैं, जिस फेक आईडी ये चीज़ें प्रोवाइड करी हैं, इस बात की श्योरिटी नहीं है कि ये जितने स्क्रीनशॉट्स आए हैं क्या ये रियल व्हाट्सएप चैट्स हैं। हाँ, हम लोग कॉल रिकॉर्डिंग को डिनाई नहीं कर सकते, और जो तस्वीरें हैं हम उन तस्वीरों को भी डिनाई नहीं कर सकते, लेकिन वो तस्वीरें अभी लगाई नहीं गई हैं, सोशल मीडिया पे भी आई नहीं है, बट वो तस्वीरें भी हैं। तो अगर मेरे पास है तो डेफिनेटली औरों के पास भी होंगी, क्योंकि अब मुझे फंडा समझ में आ गया है कि ये बोल के कि एक पे विश्वास कर रहे हैं एक पे नहीं, ये सबको दी गई है, और सब बस प्रिवेसी मेंटेन करने के चक्कर में 2-3 महीने से चुप बैठे थे, किसी ने ये चीज़ें नहीं दिखाई, लेकिन ये चीज़ें पर्पसली लोगों के पास भेजी गई हैं। एक ही टाइप की फ़ोटो सबके पास, एक ही टाइप की रिकॉर्डिंग सबके पास, एक ही टाइप के स्क्रीनशॉट सबके पास। तो आखिर में ये गेम क्या चल रहा है? ये गेम इन दोनों का आपस में चल रहा है, या फिर ये गेम YouTube वर्सेस इन दोनों कपल्स के बीच में चल रहा है? इस समय मैं बहुत लॉस्ट हूँ दोनों चीज़ें देख के, लेकिन हाँ, इस बात की तो पक्का श्योरिटी है कि दोनों के बीच में चीज़ें ठीक नहीं हैं। लेकिन दोनों में से कौन आखिर सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहा है, इस्तेमाल नहीं बोलूँगी, मिसयूज़ कर रहा है, खुद फ्रंट पे ना आके सोशल मीडिया के लोगों को अपना हथियार बना के, उनके कंधे पे बंदूक रख के अपनी बातें सोशल मीडिया तक फैलाना और स्प्रेड करना चाह रहा है? अब ये कौन हो सकता है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। तब तक आप लोगों को बस तसल्ली से देखते जाना है कि और इस चीज़ों में और क्या क्या सामने आता है, और क्या क्या चीज़ें एक्सपोज होती हैं, और कब ये लोग अगस्त के महीने में सामने आके सच का सच और झूठ का झूठ बताते हैं कि आखिर इन लोगों ने ये सब चीज़ें क्यों करी। ये सब चीज़ की जवाबदाही इनकी बनती है, क्योंकि ये सोशल मीडिया का फेस है। इन्होंने अगर अपने दो जनों की बातें वाया किसी के माध्यम से आई हैं, तो क्या पर्पस था इनका? इस बात का जवाब इन्हें आज नहीं तो कल ज़रूर देना पड़ेगा, और देना भी चाहिए कि क्यों इस तरीके से चीज़ें की गई, कि सबको सेम चीज़ें प्रोवाइड करी गई, क्या इसके पीछे इंटेंशन थी और क्या इसके पीछे सॉलिड रीज़न था। तो ये था अभी तक का रिएक्शन। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे रिश्ते तो टूट ही रहे हैं, लेकिन एक अनदर लेवल का गेम भी प्लान हो रहा है। अब ये गेम किसके अगेंस्ट प्लान हो रहा है ये तो वक्त बताएगा। तब तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें, और इस कॉन्ट्रोवर्सी को लेकर अपनी अपनी ऑब्जर्वेशन कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, क्योंकि समटाइम्स जहाँ तक हमारा दिमाग नहीं चल पाता वहाँ तक हमारी होशियार और स्मार्ट ऑडियंस सुन लेती है। तो आप लोग भी अपनी समझदारी से आप लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करना कि इस पूरे हस्बैंड वाइफ की कंट्रोवर्सी के पीछे आप लोगों की पर्सनल ऑब्जर्वेशन क्या कहती है। तो यहाँ पे ये वीडियो एंड करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।